हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा और दुआ है कि आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। इस नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ह्यूंडई इंडिया भी अब किया के तौर पे, ऑल्दो ह्यूंडई की रिलायबिलिटी को किया के साथ जोड़ना गलत होगा, क्योंकि जो उसकी क्रेटा को अगर हम कंपेयर करें सेल्टॉस से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्रेटा की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इन कम्पेयर टू सेल्टॉस, और अभी तक इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। और पिछली क्रेटा को अगर हम देखें तो फिर उसे यूरो एनकैप में लैटिन गैप में 4 स्टार्स मिले थे, और जैसा ह्यूंडई का दावा है कि 2 हाथी उसकी छत पे खड़े हो सकते हैं, तो वी होप एंड प्रे ऐसा ही हो। और साथ ही बिल्ड क्वालिटी जब मैंने खुद महसूस की अपनी गाड़ी में, तो मुझे सेल्टॉस से बेटर लगती है क्रेटा की। बट एनीवेज, जैसे सेल्टॉस के जो नेगेटिव्स को देखते हुए किया ने काम किया है सेफ्टी पे, तो ह्यूंडई भी अब तैयार है और प्रोएक्टिव हो रही कंपनीज, क्योंकि गडकरी साहब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि 6 एयरबैग्स वुड बी मैंडेटरी एनी टाइम सून। तो ह्यूंडई भी अब जल्दी अपनी क्रेटा अल्कज़ार में, और जहाँ तक मेरा मानना है कि लगभग हर गाड़ी में जैसे वेन्यू वरना है उन सब में, सिवाय आप अगर कुछ छोटे हैचबैग्स को छोड़ दें, तो हर गाड़ी में ये आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड देंगे। ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल या प्रोग्राम, ये भी आपको एक स्टैंडर्ड फीचर मिलेगा, जो अगर क्रेटा वेन्यू वरना अल्कज़ार जैसी गाड़ियों में आएगा एज बेस स्टैंडर्ड मॉडल, तो बहुत अच्छा वेलकम मूव होगा। सेफ्टी भी बहुत इनहेंस होगी और अच्छा एक मैं कहूँगा प्रोएक्टिव मूव होगा, और बहुत ज़रूरी है वेलकम फीचर होगा ये। तो ये है सेफ्टी के तौर पे एक अपडेट, अनाउंस होने में लगता है मुझे कुछ ही टाइम में इस साल में हमें देखने को मिलेगा, और नई गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली अल्कज़ार और क्रेटा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।